मैं सदैव प्रसाद शिक्षक, आइए आप सबों का एसपी मोटिवेशनल पोएम में स्वागत है। आज मैं होनहार बच्चों के लिए, सक्रिय बच्चों के लिए, तेज बच्चों के लिए और के लिए एक मैं प्रश्न लेकर आया हूं और वह प्रश्न है, बच्चा किस माह में कमर होता है। और जो हमारे समाज में जो बच्चे होते हैं, जो होनहार बच्चे होते हैं, जो तेज होते हैं, उनके सबक जब भी कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न आते ही उस बच्चों की आंखों में खुशियां तैरने लगती है, उसके बच्चों की अधरों पर मुस्कान थिरकने लगती है, उसकी बाजुओं में गति आ जाती है और साथ साथ पैरों में भी गति आ जाती है। और वैसे बच्चों से ही समाज को बड़ी अपेक्षाएं हैं, साथ साथ माता पिता को अपेक्षा तो है ही है और गुरुजन को भी इसे बड़ी अपेक्षा है। अगर इस तरह के बच्चे तेज हैं, सक्रिय हैं, अगर कोई हम उसके समक्ष प्रश्न डालते हैं, अगर प्रश्न का उत्तर बच्चा नहीं दे पाता है तो भूल बस भी मुझे उसको कमजोर नहीं कह देना चाहिए, अर्थात मेरा कर्तव्य होता है हम उसका हौसला अफजाई करें, अर्थात उसकी हिम्मत को हम बढ़ाएं। अगर वो बच्चा उत्तर देता है इसका मतलब उसमें जागरूकता है, उसमें निरंतरता है। एक पुरानी कहावत है, जागरूकता सफलता की बुनियाद होती है, जागरूकता सफलता की नींव होती है। मैंने लेकिन अगर बच्चा किस प्रश्न का उत्तर देता है इसका मतलब है कि उसमें दम है। मैंने भी एक पंक्ति लिखी है ऐसे बच्चों के लिए जो उत्तर देता है, जिन्हें अपने कर्मों पर होता पूर्ण विश्वास, जिन्हें अपने कर्मों पर होता पूर्ण विश्वास, सफलता उसके चरणों को चूमने खुद आ जाती बस। जिसे पढ़ने बढ़ने का शौक होता है, जिसे पढ़ने और बढ़ने का शौक होता है, कभी नहीं उसे गिरने का खौफ होता है। अब गिरने का नाम गिरना नहीं है, गिरने का नाम गिरना नहीं है, बल्कि गिर कर न उठने का नाम गिरना है। अतः बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। आइए तो मैं प्रश्न का उत्तर आपको बतला रहा हूं। यह प्रश्न का उत्तर अगर दो पंक्ति याद हो जाए तो आपका उत्तर दो पंक्ति में ही उत्तर है। साथ ही साथ यह मैंने दो पंक्ति बनाई है कि 30 दिन का माह सितंबर, 30 दिन का माह सितंबर, 7वीं अप्रैल जून नवंबर, 28 दिन का फरवरी मानो, बाकी सबको 31 जानो। अगर यह दो पंक्ति आप याद कर लेंगे तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी और मैं यह समझूंगा कि मैं साथ में सफल हो गया। इसलिए दो पंक्ति निश्चित याद कर ले, या दो पंक्ति जब याद कर लेंगे तो 12 जो महीने होते हैं ना, किस माह में कितने दिन होते हैं, इसी से आपको पता चल जाएगा। और कभी भी 31 माह का है या 28 दिन का कोई माह है या 31 दिन का है, आपके मस्तिष्क में अस्थायी रूप से प्रविष्ट कर जाएगी। इसीलिए इसको याद करें। और अचानक कोई भी आपसे कभी कहीं भी किसी भी माह के बारे में पूछे कि जनवरी कितने दिन के होते हैं, अक्टूबर कितने दिन के होते हैं, जून कितने दिन के होते हैं, अगर यह दो पंक्ति याद हो जाए तो आप धड़ल्ले से उनका जवाब दे सकते हैं। और इससे अब बच्चा किस माह में कमर होता है प्रश्न है, तो इसमें हमने देखा ना 30 दिन के कितने महीने हुए, 4, 31 दिन के कितने हुए, 7, 7 4 11, और फरवरी कितने दिन के हुए, 28 दिन के। अर्थात अगर आपसे पूछे कि बच्चा किस माह में कमर होता है, उत्तर होगा फरवरी। जय हिंद, जय भारत।